नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और कस्टम क्लियरेंस के बारे में। अभी रिसेंटली DGFT की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड को लेकर। सो ये जो अपडेट है ये मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इवन जो ई कॉमर्स करते हैं, ई कॉमर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा अपडेट की तरफ चलता हूँ। मैं अपना फ़ोन स्क्रीन आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि ये DGFT की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें लिखा क्या है। देखिए, पहले जो दो पॉइंट है, ए बी और सी, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो मेन चेंजेस हैं, जो उन्होंने टेक्स्ट ऐड किया है तीसरे नंबर में, ये जो लास्ट वाले तीन है कॉलम, इनमें जो चेंजेस हैं ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो नोटिफिकेशन आया है 12 तारीख को DGFT की तरफ से, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अब आपके पास अगर IC है, फिर चाहे वो पुराना IC हो चाहे नया IC हो, आप अब आपको हर साल मई से जून के बीच में अपने IC को अपडेट करना है, फिर चाहे आप बड़े एक्सपोर्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे ई कॉमर्स वाले बंदे हो। तो अब सभी को, जो भी IC होल्डर्स है, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, उन सभी को अपना IC ईयरली बेसिस पे अपडेट करना है DGFT में जाके, फिर चाहे उसमें कोई अपडेशन हो चाहे ना हो। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करता हूँ। जो पॉइंट में एक्चुअली लिखा क्या है फर्स्ट पॉइंट में, देखिए फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है, एन IC होल्डर हैज़ टू इंश्योर दैट डिटेल इन इट्स IC इज़ अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिकली एवरी ईयर ड्यूरिंग अप्रैल जून पीरियड, इन केस वेदर वेदर देर आर नो चेंजेस इन IC डिटेल, सेम ऑल्सो नीड टू बी कन्फर्म्ड ऑनलाइन। सो इसका मतलब हुआ कि अगर अगर आप IC होल्डर हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, आपके पास कोई IC है, तो आपको हर साल DGFT की वेबसाइट में जाके अप्रैल से जून के बीच के पीरियड में आपको अपना IC अपडेट करना है, फिर चाहे उसके अंदर कोई अपडेशन हो चाहे ना हो। अगर कोई अपडेशन होता है, इससे पहले क्या होता था कि लोगों ने IC ले ली और उसको अपडेट करने का कोई झमेला नहीं होता था, एक बार ही आपने ले लिया। हाँ, बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनके डायरेक्टर्स में चेंजिंग डायरेक्टर्स चेंज होते रहते थे, आपके ब्रांचेस ऐड होते रहते थे, कई बारी कुछ अमेंडमेंट होती थी, कई बारी नेम्स में अमेंडमेंट होती थी, कई बारी फ़ोन नंबर में अमेंडमेंट होती थी। बड़े मैन्युफैक्चरर्स क्या करते थे, वो तो खैर टाइम टू टाइम अपना अपडेट करते ही थे, बट ट्रेडर्स के केस में क्या होता था कि ट्रेडर्स ने एक बार अप्लाई कर लिया, आपको पता है कि वो इतना ज़्यादा झमेला नहीं पालते। तो अगर छोटे मोटे चेंजेस होते भी हैं एड्रेस में, फ़ोन नंबर में, तो वो जनरली कोई उतना उसको लेके स्ट्रेस नहीं करता और जाके उसको अपडेट नहीं करता DGFT में, क्योंकि जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं वो दूसरों को हायर करके ही अपना IC लेते हैं, और कोई अमेंडमेंट होती है तो दूसरों को हायर करके ही करते हैं। वैसे IC जो अप्लाई होता है ऑनलाइन, उसमें सिर्फ 500 रुपये का खर्च होता है, और कोई अपडेशन होता है तो उसमें 200 रुपीज़ का खर्च होता है जो सरकारी लगता है। बट ट्रेडर्स और छोटे जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर थे, ई कॉमर्स वाले लोग थे, वो जनरली नहीं करते थे। बट अब मेरे को लगता है कि आप सभी को करना पड़ेगा। अगर आपके IC में कोई अपडेशन है, कोई ब्रांच चेंज हुआ है, कोई एड्रेस चेंज हुआ है, कोई डायरेक्टर चेंज हुआ है, कोई डायरेक्टर रिमूव हुआ है, कोई डायरेक्टर ऐड हुआ है, कोई फ़ोन नंबर में चेंजेस है, कोई भी चेंजेस है, तो वेल एंड गुड, तो आपको तो अपडेट करना ही था, तो आपको वैसे भी करना है। और अगर आपका कोई भी चेंजेस नहीं है, तो भी आपको IC आपके जो DGFT है वहाँ जाके कंफर्म करना है कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, कि मैं कंफर्म करता हूँ कि मेरा कोई मटेरियलिस्टिक अपडेट नहीं है, मेरे IC में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है, बट मैं कंफर्म करता हूँ। सो ये अब से हर एक IC होल्डर को करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो यही कहता है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि एन IC शैल बी डीएक्टिवेटेड इफ़ इट इज़ नॉट अपडेटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। एन IC सो डीएक्टिवेटेड मे बी एक्टिवेटेड ऑन सक्सेसफुल अपडेशन। दिस वुड हाउएवर बी विदाउट प्रेजुडाइस टू एनी अदर एक्शन टेकन फॉर वायलेशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ द फॉरन ट्रेड पॉलिसी। तो सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आप IC होल्डर हैं और प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अपना IC अपडेट नहीं करते हैं, तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, विच इज़ ऑफकोर्स अगर आप दोबारा उसको अपडेट करते हैं तो वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। और इन केस वो डीएक्टिवेट हो जाता है आपने अपडेट नहीं किया और वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उसके बाद ना आप कोई शिपिंग बिल फाइल कर पाएंगे, ना कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल कर पाएंगे, हैंस ना कोई इंपोर्ट कर पाएंगे, ना कोई एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बट भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपका IC डीएक्टिवेट हो जाता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप हर साल प्रिस्क्राइब टाइम मैनर के अंदर अपना IC अपडेट कर ले, ताकि वो डीएक्टिवेट ना हो, चाहे वो टेम्पररीली क्यों ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कई लोगों की शिपमेंट्स नहीं आती, उनको ध्यान नहीं रहता कि IC अपडेट करना है, और आपकी शिपमेंट भी नहीं आ रही, तो आपको पता नहीं है कि वो टेम्पररी डीएक्टिवेट हो गया, और अचानक आपकी शिपमेंट आती है, या आपका कोई अर्जेंट ऑर्डर आता है बाहर से एक्सपोर्ट के केस में, और आपने कंटेनर वगैरह सब कुछ बुक करा लिया, और फिर आपने शिपिंग बिल के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स पुटअप किए, तो आपके CHO का कॉल आता है कि भैया आपका तो IC कोड ही डीएक्टिवेट हो रखा है। और शिपिंग बिल के केस में क्या है कि एक बार के लिए आप एक्सपोर्ट के केस में मैनेज कर सकते हैं, बट इम्पोर्ट के केस में तो ये सिनेरियो बहुत ही वर्स्ट हो सकता है। अगर पता लगा कि आपकी कोई शिपमेंट नहीं आ रही, और आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही इंटरनेशनल, और आपने अपना IC कोड भी अपडेट नहीं किया और वो डीएक्टिवेट हो गया, और अचानक आपका कोई बाहर से आपने कोई इम्पोर्ट कर लिया भूले से, क्योंकि ये बहुत ही नया नया है, तो क्या पता आपने भूले से बाहर से कोई इम्पोर्ट कर लिया और वो आपके पोर्ट पे आ भी गया, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आपको पता लगा कि आपका
आईसी कोड ही अपडेट नहीं है, तो बस उस टाइम पे भसूड़ी चालू, उस टाइम पे सारा स्ट्रेस चालू, सारा टेंशन चालू। उसके बाद आप भागते रहेंगे कि कैसे इसको दोबारा एक्टिवेट कराएं, और इस नोटिफिकेशन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, इन केस वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो। उसके बाद आप अपने सीएचओ से पूछेंगे, अपने कंसल्टेंट से पूछेंगे, अपने सीए से पूछेंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप टाइमली अपना आईसी अपडेट कर लें और उसको टेम्पोरली भी डीएक्टिवेट ना होने दें। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। एन आई सी मे बी ऑल्सो बी फ्लैग फॉर स्क्रूटनी। आई सी होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट एनी रिस्क फ्लैग बाय द सिस्टम इज टाइमली एड्रेस्ड, फेलिंग विच द आई सी शैल बी डीएक्टिवेटेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपका आई सी यू नो टाइम टू टाइम स्क्रूटनी के लिए पिकअप यू नो उठाया जा सकता है बाय द सिस्टम और बाय द ऑफिशियल्स। ये यहाँ मैंशन नहीं है, मे बी ऑफिशियल्स के थ्रू द्वारा ही आपका जो आई सी है वो टाइम टू टाइम मैनर पे उठाया जाएगा, इन ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रांजेक्शन। आप क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, किस तरह का आपका ट्रांजेक्शन रहा है पास्ट में और किस तरह के आपका ट्रांजेक्शन चल रहे हैं इस टाइम पे, उस बेसिस पे अब से डी जी एफ टी भी आई सी कोड को स्क्रूटनी के लिए फ्लैग करेगा टाइम टू टाइम, जिसको आपको एड्रेस करना होगा टाइमली मैनर पे। जिसको और इन केस अगर आप एड्रेस नहीं कर पाते, डॉक्यूमेंट्स जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पुटअप नहीं कर पाते, उस केस को रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो आपका आईसी उस केस में भी डीएक्टिवेट हो सकता है। विच इज़ ऑफकोर्स आप दोबारा उसको सारे सेटिस्फाइड डॉक्यूमेंट्स पुटअप कर देंगे और सेटिस्फैक्शन ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आप पुटअप कर देंगे तो वो ऑब्वियसली दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे पहले ये आईसी स्क्रूटनी वगैरह का सिस्टम नहीं था। इस नोटिफिकेशन में अब इन्होंने ये भी ऐड कर दिया है कि अब से आईसी को भी स्क्रूटनी के लिए टाइमली मैनर पर उठाया जाएगा, विच इज़ बेस्ड ऑन आपका जो ट्रांजेक्शन होगा आई गेस, या आपका सिस्टम बेस्ड हो सकता है विच इज़ रैंडम। सो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अब से प्रॉपर रखने हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आईसी वाले डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर रखने हैं, प्रॉपरली टाइमली अपडेशन करना है। और इन केस अगर आप अपडेट नहीं करते हैं, आपका अपडेट हुआ है फिर भी आप कहते हैं कि कोई अपडेट नहीं है, आपने ये कंफर्म करके अपडेट कर दिया और बाद में उसको डीजीएफटी के द्वारा उठा लिया गया फॉर स्क्रूटनी और आपने डॉक्यूमेंट्स पुटअप नहीं कर पाए, तो वो फिर टेम्परेली डीएक्टिवेट हो सकता है और वो कम्प्लीटली डीएक्टिवेट भी हो सकता है अगर आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पुटअप नहीं कर पाए। सो ये वो तीन मेन अपडेट थे इन द नोटिफिकेशन इशूड बाई डीजीएफटी। और अगर ये वीडियो आपको अब तक अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आईसी कोड, एडी कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके या नीचे दिए गए ईमेल पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं भी दिल्ली में एक सीएचए हूँ, हमारा खुद का यहाँ पे दिल्ली में फर्म है सीएचए फर्म। हम कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवर्डिंग और कंप्लाइंस में डील करते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।